ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, एक प्रश्न प्रायः बहुत ज़्यादा सबके मन में रहता है कि क्या माताएं, बहनें, बेटियां शंख बजा सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस प्रश्न के उत्तर को जानना। मैं ग्रंथ की अनुकूलता में जो कहा गया है वही मैं आपको बता रही हूँ। यदि स्त्री के गर्भ में संतान है तो भूल कर भी माताएं शंख न बजाएं, इससे गर्भ में ही संतान मर जाती है। ग्रंथ में लिखा है कि कोई स्त्री साध्वी बन जाती है, घर गृहस्थी से उसका लेना देना नहीं होता है, तो वो स्त्री शंख बजा सकती है। ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि धरती पर कोई बहुत बड़ा कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है तो नारी शंख बजाती है, या फिर दुर्योधन जैसे अत्याचारियों का हमला होता है तब द्रौपदी जैसी नारी शंख बजाती हैं, क्योंकि नारी तो दुर्गा हैं और दुर्गा माँ के पास शंख है। हमारी माताएं, बहनें, बेटी मत सोचे कि हमें शंख बजाने से रोका जा रहा है, तो ये हमारी नारी वर्ग का बहुत बड़ा अपमान है। ये अपमान नहीं बल्कि इसमें हम नारियों का बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि हमारे ग्रंथों ने कहा है कि नारी हर स्थिति परिस्थिति में शंख नहीं बजा सकती। जब हम शंख बजाते हैं तो पूरी की पूरी आंतें खींचकर ऊपर आ जाती हैं और स्त्री को कोमल कहा गया है, और जब शंख की ध्वनि होती है तो नाभि से लेकर माथे तक की शक्ति शंख को बजाने में लगती है। आप कभी कभी अनुभव करके देखना, हर व्यक्ति शंख नहीं बजा सकता, हर स्त्री शंख नहीं बजा सकती। ग्रंथ कहता है कि शंख बजाने के लिए मुख की बहुत बड़ी शुद्धता होनी चाहिए। शंख बजाने वाला व्यक्ति भोगी ना हो, व्यसनी ना हो। शंख की तो इतनी बड़ी महिमा है कि घर के संपूर्ण दोषों को शंख समाप्त कर देता है। वेद में, ऋग्वेद में लिखा है कि शंख में संपूर्ण देवताओं का वास होता है। शंख के बिना आरती पूरी नहीं होती, शंख के बिना सत्यनारायण भगवान की कथा पूरी नहीं होती। हाँ, अगर कोई नारी सांसारिक संसार से बहुत दूर है, भजन में, आराधना में, कीर्तन में लगी है, अब वो बच्चों को भी जन्म नहीं दे रही है, अब उसके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तब वह नारी शंख बजा सकती है। गर्भ में भले ही 5 दिन का बच्चा क्यों ना हो, ये उस नारी के यदि वो स्त्री ने शंख बजाया है या बजाती है तो उस शंख बजाने में इतनी शक्ति लगती है कि 5 दिन का बच्चा भी उसके उदर में समाप्त हो जाता है। और नारी के गर्भ में बच्चे को जानबूझकर समाप्त कर देना ये अपराध का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमारे ग्रंथों ने कहा है कि जब नारी सांसारिक कर्मों से उऋण हो जाए, अब वो बच्चों को जन्म नहीं दे रही है, उसकी उम्र 60 के ऊपर हो गई है, तो वो साक्षात देवी भगवती का रूप हो जाती है, तो वो असंग बजा सकती है।